असलम शाहब टॉक शो हम बात करेंगे कुमार के लास्ट एपिसोड के रिव्यू के बारे में। लास्ट एपिसोड में आपने देखा हम रसले के साथ और वहीं पे हरीम और फैज़ को मिलवा था। अपनी माँ से कहता है कि उसने बिल्कुल सही किया, वो उससे बहुत मोहब्बत करती है। आखिरकार फैज़ से माफ़ी मांगता है और हरीम उसे माफ़ कर देती है और अपने रिश्ते को एक और मौका देती है। अपने भाई और बाप से बात करते हैं तो उसके पैसे का एहतराम करते हैं और वहीं वो फैज़ के साथ खुशी खुशी रुखसत हो जाते हैं। उसके बाप और भाई दोनों काफ़ी खुश होते हैं हरीम को देख के, क्योंकि हरीम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश होते हैं, वो फैज़ से बहुत मोहब्बत करती है। वहीं के अक्षर ये सब कुछ बर्दाश्त होता है। जब फाइज लेने जाता है उसे लेके जाता है तो वहाँ पे हरीम का बताता है तो वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है और वहीं पर दोनों काफ़ी खुश होते हैं। दस्ते सब कहती है कि मैंने सब कुछ आप आपसे सीखा और आप पीछे मुड़ते कभी ना देखें, आप हमेशा खुश रहे। तो वो कहते हैं कि आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। वहीं फाइज से कहती है कि आपको मैं आपके रकीब से बात कर रही थी कि आपको मुझ पर शक है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, अब मुझे तुम पर कोई भी शक नहीं है। वहीं पे मुदस्सिर को एक लड़की पसंद आती है तो काफ़ी अच्छी उसे लगती है पहली ही नज़र में और वो अपनी ज़िंदगी में भी खुश होता है। इसी तरह इस ड्रामा सीरियल का एंड होता है और हमेशा हमें चाहिए कि हम लोग सच्चाई का साथ दें, कि सच एक न एक दिन हम जितने भी उसे जोड़ के पर्दों में छुपा लें वो बाहर आ ही जाता है। कैसा लगा ये ड्रामा सीरियल आपको और इसकी एंडिंग कैसी लगी, आप भी अपनी रिकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।